आज हम समझेंगे बेसिस के बारे में, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, स्लैक लाइम, क्विक लाइम, तो सारी कंफ्यूजन आज दूर होने वाली है उन सब की। हम एक एक करके सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, और जो लोग स्टूडेंट्स नहीं है वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज हम अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ के जो बेसिस होते हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे, जैसे कि सोप हो गया, हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, इवन डिटर्जेंट हो गया, या हमारा ब्लड हो गया, इन सबको हम लेने वाले हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बेस। तो आज हम सारे बेसिस को एक साथ एक ही जगह पे पढ़ेंगे, उनके कुछ एक इंडिकेटर्स के बारे में भी जानेंगे। माई नेम इज मधुरिका, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त। चलो हम क्विकली फटाफट से उसके कुछ एक आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं कि बेसिस का आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को पानी के अंदर डालते हैं तो अगर वो OH- देता है, यानी कि OH- आयन देता है, तो उसी को हम कहते हैं बेस। दूसरे नंबर पे आता है कि बेस क्या होते हैं, जिनका बिटर टेस्ट होता है। अब आप सारे जितने भी बेसिस होते हैं उसको टेस्ट करने मत बैठ जाइएगा कि इसका बिटर टेस्ट है कि बेस है, नहीं। अब आप एक एग्जांपल लेके देख लीजिए, जैसे कि सोप। अब आप सोप खा के देखें, थर्ड नंबर पे आता है कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, पहला अगर हम देखें तो हम यूज कर सकते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, जैसे कि हमने एसिड वाले वीडियो में देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि एसिड के अंदर जो लिटमस पेपर था, ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो रहा था। इसका जस्ट अपोजिट बेस में होता है। क्या होता है कि जो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू में टर्न हो जाता है, उसी को हम कहते हैं बेसिस, ठीक है। इसके और आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी मतलब नाम से पता चल रहा है, जिसको हम स्मेल करके पता कर सके, राइट। तो स्मेल करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जिसका अच्छा स्मेल हो, एक हम देख सकते हैं अनियन, क्लोव और वेनिला। इनको हम यूज कैसे करते हैं, अनियन की खुद की एक स्मेल होती है, हमको पता चल जाता है कि कहीं पे अनियन पक रहा है, ठीक है। सेम तरीका कि अगर हम अनियन में थोड़ा सा बेस डाल दें तो उसकी स्मेल अलग तरीके की हो जाएगी। अगर उसमें हम एसिड डाल देंगे तो वो अलग तरीके की स्मेल पास करेगा। तो यही इसका तरीका है कि मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब कि आप स्मेल करके पता कर सकते हैं कि इसके अंदर इसकी स्मेल चेंज हुई है, इसी को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा फिनफ्थलिन। फिनफ्थलिन का कैसे यूज होता है, जैसे फिनफ्थलिन को बेस में डाला तो वो क्या करता है, पिंक कलर का हो जाता है, तो ये हमको पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या है, बेस है। और हम क्या देख सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज के अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो वो अगर हम बेस के अंदर डालें तो वो क्या कलर देगा, येलो, ओके। तो ये तो थे कुछ एक हमारे इंडिकेटर्स। एक सबसे अच्छा इंडिकेटर्स जो हम बताते हैं वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब कि पीएच इंडिकेटर। पीएच जो है उसमें हमने देखा था कि 0 to 14 होता है, राइट। तो 7 से लेके जो 14 होता है वो क्या होता है, हमारा बेसिक होता है। अब उसको हम एल्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी 7 to 14 अगर आता है वैल्यू तो वो सारे क्या होंगे, बेस होंगे। तो ये तो हुआ कुछ एक इंडिकेटर्स की बात। अब हम बात करते हैं कि जो बेस होते हैं अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ओके। तो ये कौन कौन सी हो सकती है, कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एसिड रेन हुआ, है ना, एसिड रेन होती है तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो एसिड रेन हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ था, ताजमहल खराब हो गया था, राइट। तो वो एक एग्जांपल ले सकते हैं। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो हम क्या बोल सकते हैं, सल्फर ऑक्साइड, जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो पावर प्लांट होता है उसके अंदर एक पॉल्यूटेंट का काम करता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, ओके। और हम एग्जांपल देख सकते हैं एक एंटा एसिड का काम क्या होता है, मतलब कि एसिडिटी को कंट्रोल करना, ओके। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है।
तो ये तो थी कुछ एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो बेस देते हैं। अब और क्या रिएक्शन दे सकते हैं बेस? अगर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो वो क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा और सॉल्ट देगा। वहीं अगर हम बेस को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, जैसे कि हम CO2 हो गया, ठीक है, अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर CO2 के साथ करवा दी तो क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो वो सॉल्ट क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। ओके, तो ये तो थी कुछ एक रिएक्शंस जो कि बेसिस देते हैं और उसके कुछ एक इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन उसने रिलीज किया है उसके बेस पे हम उसको अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ OH आयन रिलीज 1 बाय अ मॉलिक्यूल, देन इट्स कॉल्ड मोनोएसिटिक, ठीक है। अगर वो 2 देता है तो उसको बोलते हैं डाइएसिटिक, अगर वो 3 देता है तो उसको बोलेंगे ट्राइएसिटिक, ठीक है। इसको बोलते हैं इसकी एसिडिक होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हो गए? मोनो एसिडिक। सेकेंड पे आता है हमारा डाई एसिडिक में कुछ एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आयरन सेकेंड हाइड्रोक्साइड या कॉपर सेकेंड हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हो गए। हम देख सकते हैं ट्राइएसिटिक, तो ट्राइएसिटिक में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं? उसमें तो हमने पढ़ा था कि आयरन सेकेंड होता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं? आयरिक हाइड्रोक्साइड, और एक और देख सकते हैं हम गोल्ड ट्राई हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ट्राई हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, तो ये हमने देखे उसकी कुछ एक एसिडिटी। अब हम बात करेंगे कुछ एक एग्जांपल्स के बारे में जो हम अपनी रूटीन लाइफ में बेसिस में देखते हैं, मतलब कि कौन कौन से बेसिस हम यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी दिन की शुरुआत होती है, हम सोप यूज करते हैं, राइट। तो सोप में भी बेस होता है, डिटर्जेंट हो गया उसमें हो गया, हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसमें भी बेस ही होता है। माना ऐसे अब तो आने लग गया कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, बट सॉल्ट के साथ साथ बेस भी होता है उसमें। ओके, और हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो इनो होता है जो हमारी एंटा एसिड की तरह काम करता है, तो हम कभी कभी कुछ फूड आइटम्स में भी डाल देते हैं कि ताकि हम, अगर घर में बेकिंग सोडा नहीं होता तो हम इनो का यूज कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही इसको क्यों, इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH, ठीक है, NaOH। और इसको हम कहते क्या है? ले, LYE, ले। और इसको हम कह सकते हैं कास्टिक सोडा। इसका काम क्या है कि हम NaOH को, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप हो गया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पेपर का हो गया, या फिर सिंथेटिक ऑफ फाइबर रेयन हो गए, इनमें यूज होता है। और इसका यूज कहाँ हो सकता है? जैसे कि हम मेडिसिन फील्ड में बात करें तो मेडिसिन फील्ड में हम एस्प्रिन लेते हैं तो उसमें हो गया, और एंटीकोएगुलेंट के रूप में, मतलब कि अगर आपके ब्लड आ रहा है तो कोएगुलेशन में काम आएगा। और हम इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि कैनिंग ऑफ टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, इनके जो छिलके होते हैं उनको छीलने के काम आता है, वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? स्लैग्ड लाइम, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है CaOH। जो स्लैग्ड लाइम होता है वो हमारे कहाँ पे यूज आता है? वो हमारे यूज आता है ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। और हम इसको देख सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले देखा था कि वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। कहाँ पे? जो सल्फर ऑक्साइड जो हमारा एज अ पॉल्यूटेंट निकलता है पावर प्लांट्स के अंदर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। एज एन हम और देख सकते हैं इसको, ऑक्साइड को हम प्लास्टर्स में देख सकते हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बनता किससे है? वो बनता है CaO से, मतलब कि क्विक लाइम से। और ये जो क्विक लाइम होता है वो किससे बनता है? लाइमस्टोन से, जो कि होता है CaCO3। ये
ये क्या होती है, बेसिकली पूरी एक साइकिल होती है, ये आपस में ही इंटरचेंज होते हो सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है यानी कि लाइमस्टोन, वो क्या होता है, CaCO3 होता है। ओके, अगर हम CaCO3 को हीट करते हैं तो क्या होगा, उसमें से CO2 रिलीज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, CaO। ओके, तो ये जो CaO है वो क्या है, क्विक लाइम है। ये जो क्विक लाइम है यानी कि CaO, अगर हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, CaOH2, मतलब कि हमारा स्लैग्ड लाइम। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में को अगर हम वापस से CO2 के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बन जाएगा, CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन। तो ये क्या हुआ, हमारी एक पूरी साइकिल बन गई। अब ये जो CaCO3 मतलब कि लाइमस्टोन, ये कहाँ यूज आता है, ये हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर यूज आता है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसका फर्स्ट यूज जब हम स्कूल जाते थे तो हमने क्या देखा था, चौक। चौक के अंदर क्या होता है, यही होता है। नॉर्मल हमारे जो घर के अंदर मार्बल्स और होते हैं तो इनके अंदर भी क्या होता है, CaCO3 होता है। और हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, फेस पाउडर हो गया, आई शेडो हो गया, लाइनर हो गया, ये सारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अगर हम बायो स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो क्या बताएगा कि जो कॉरल्स होते हैं या फिर पर्ल हो गए या फिर जितने मॉलस्कन होते हैं उनकी जो ऊपर की कवरिंग होती है जिसे वो अपने आप को ढक के रखते हैं, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। मतलब कि शेल, उनकी जो शेल होती है वो इसकी बनी हुई होती है। फेस प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स हो गए, वो किसके हुए, लाइमस्टोन के, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के। अगर हम बात करें अपने हेयर केयर की, मतलब कि अपने बालों की केयर के लिए कौन सा प्रोडक्ट आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने बोला था स्लैग्ड लाइम। तो हमने दोनों ही तरीके से उनको समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि और कौन से हो सकते हैं हमारे बेसिस, तो आता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हम देख सकते हैं ये क्या काम करता है, एंटा एसिड का। ओके, एंटा एसिड मतलब कि जो हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जो मैग्नीशियम से बना हुआ एक सस्पेंशन होता है उसका नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही क्यों था, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब कि जो इसका कलर होता है वो मिल्की होता है, ठीक है, और ये बना हुआ होता है मैग्नीशियम का, इसी वजह से इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ओके, और हमारे बेसिस की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका यूज कहाँ होता है, हम सुबह सुबह ब्रेड खाते हैं, राइट, तो जितने भी ब्रेड हो गई, डोसा हो गया, हमारा इडली हो गया, इन सब में क्या होता है, हम क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, राइट। तो ये जो बेकिंग सोडा होता है इसको क्यों डाला जाता है, ताकि हम अपने जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो क्या होते हैं, फ्लफी होते हैं। जो हमारा ब्रेड होता है या जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लफी स्पंजी होते हैं। तो इस वजह से होते हैं क्योंकि हम उसमें क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा। ये जो बेकिंग सोडा होता है इससे हम बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं। कैसे, अगर हम बेकिंग सोडा को एडिबल एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। अगर आपको एडिबल एसिड नहीं पता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं जो कि एसिड पे है, उसमें मैंने बहुत सारे एडिबल एसिड्स के बारे में बता रखा है। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे कि होता है टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड भी क्या है, एडिबल एसिड है, हो गया या फिर ग्रेप्स में हो गया, तो इन सबको हम ले सकते हैं। तो जब हम बेकिंग सोडा की एडिबल एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, बेकिंग पाउडर। तो आप अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो ये जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट वो और कहाँ यूज आता है, वो अगेन एंटा एसिड में यूज आ सकता है। और हम देख सकते हैं कि ड्यू टू इट्स रिलीज ऑफ CO2 हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में कैसे काम आता है, देखो जब भी कहीं आग लगती है
तो वहां पे क्या होता है, फ्यूल होता है और हमारा एयर की सराउंडिंग होती है, तो क्या करते हैं इससे आग बढ़ती है ना। बट अगर हम उसको उसमें CO2 पास करवा दे तो क्या होगा, CO2 क्या होती है, भारी होती है, जिस वजह से फ्यूल में और सराउंडिंग में कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। कॉन्टेक्ट खत्म होने की वजह से जो आग थी वो बुझ जाती है। तो यही रीजन है इसको हम यूज करते हैं। ये बनता कैसे, मतलब इसका हम एक रिएक्शन देखें तो वो क्या होगी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 है ना, जब वो उसको गर्म किया जाता है मतलब हीट किया जाता है तो उसमें से क्या रिलीज होती है, CO2 राइट, और उसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनता है, Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2 ओके। तो ये तो होती है इसकी रिएक्शन। और बेसिस कौन से हो सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि कपड़ों पे अगर ग्रीस लग गया है तो उस ग्रीस को निकालने के लिए जो प्रोडक्ट का यूज होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा ब्लड जो हमारा खून है वो भी क्या है, बेसिक नेचर का है, वो क्या होता है एक्चुअल में उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.35 से लेके 7.45 तक होती है। अगर इसमें से थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो वो हमको हार्मफुल होता है, उससे हमको बहुत सारी डिजीजेस भी होती है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिल जाते हैं। अब ये एल्कलाइन नेचर है, हमने इसको एल्कलाइन ही क्यों कहा, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि एल्कलाइन और बेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जो एल्कलाइन होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि जितने भी एल्कलाइन होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन जो सारे बेस होते हैं वो एल्कलाइन नहीं होते। ये होता है पूरा रीजन कि क्यों नहीं होते, क्योंकि जितने भी एल्कलाइन होते हैं वो पानी में घुल सकते हैं, लेकिन जितने भी बेस होते हैं वो पानी में नहीं घुल। जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को ही देख लेते हैं, चौक को आप पानी में घोल के देखो वो नहीं घुलेगी, वो थोड़ी देर बाद में वो पानी के नीचे सेटल हो जाती है राइट। तो ये दोनों डिफरेंस होता है एल्कलाइन में और बेस में। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हो सकता है पीओपी का, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज कहाँ आता है, जो हमारे घर के अंदर फॉल्स सीलिंग्स होती हैं उनमें काम आता है, या फिर हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो जब लग जाती है चोट लग जाती है तो हमको प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है ठीक है। और हम देखते हैं कि जो पीओपी होता है वो बनता कैसे है, अगर हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमारा पीओपी बनता है ठीक है। तो ये तो थे हमारे कुछ एक एग्जांपल्स जो कि बेस से रिलेटेड थे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप पक्का भूल जाएंगे तो अभी कर दीजिए जाके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।